ये दरख्त भी टाली का गिरा हुआ नीचे, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ आई थी इसलिए ये गिर गई। सारी तोरियों की फसल आंधी की वजह सारी गिरी पड़ी है, आंधी बहुत ज़्यादा आई थी इसलिए सारी गिर गई है। ये बैंगन आपको दिखा रहे हैं, बैंगन की फसल लगी हुई है सामने। वालेकुम जी, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम गांव में आए हैं और गांव में ये अमरूदों का बाग लगा हुआ है, जहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये अभी फल तैयार हो रहे हैं अमरूदों, ये लगे हुए छोटे फल लगा हुआ अभी अभी तैयार हो रहे हैं फल। इस तरफ देखें, ये सारे अमरूद ही लगे हुए भरे पड़े हैं, पूरा बाग है अभी तैयार हो रहा सारा। ये सामने सब पूरा बाग अमरूदों का ही है, ये देखे सारे भरे पड़े हैं सामने अमरूद ही अमरूद हर तरफ। ये माशाल्लाह बहुत ही भरे हुए दरख्त को फल बहुत अच्छा लगा हुआ है। ये ऐसे ऐसे सारे तैयार हो जाएंगे और साथ में अनारों के भी दरख्त लगे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और बाहर चलते हैं आपको अनारों के दरख्त दिखाते हैं। सामने फसल जो जितनी भी लगी है, जो बैंगन की लगी हुई है, तो सामने आपको बैंगन दिखा भी रहा हूँ, आप देख भी रहे हैं इस तरफ की लगे हुए हैं। ये लगे बैंगन लगे हुए, तो सामने दूर तक बैंगन लगे हुए सारे हर तरफ। ये बैंगन आपको दिखा रहे हैं, बैंगन फसल लगी हुई है सामने। ये तोरियों की फसल आंधी की वजह सारी गिरी पड़ी है, आंधी बहुत ज़्यादा आई थी इसलिए सारी गिर गई है, तो सारी गिरी पड़ी है। ऐसे होना तो पहले ऐसे थी पहले, जिस तरह ये लगी हुई है ऐसे खड़ी थी, लेकिन जब आंधी आई तो सारी ये नीचे गिर गई। ये दरख्त भी टाली का गिरा हुआ नीचे, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ आई थी इसलिए ये गिर गई सारी, काफ़ी तबाह कर रही है आंधी की वजह से। ये सामने आप देख रहे हैं चावल की फसल लगी हुई सामने। अभी अभी ताज़ा ताज़ा लगी है, अभी कुछ टाइम लगेगा इसको होने में। आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपको ऐसी वीडियो दिखाते रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।